हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल से स्पेशल विनोद में। आज का हमारा इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राकेश पश्चिम दिशा की ओर 20 किलोमीटर चलने के पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। वह 20 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो राकेश की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि दिशाएं नक्शे में कैसे दर्शाते हैं। नक्शे में ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, इधर की दिशा में पश्चिम और दोस्तों नीचे में था दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को नीचे दर्शाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार क्या करता है राकेश? पश्चिम दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, तो अपन राकेश यहाँ से स्टार्ट करता है। प्रारंभिक स्थिति है ये राकेश की, ठीक है दोस्तों। यहाँ से चला उसने 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी तय की। उसके पश्चात क्या करता है राकेश? दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है, दक्षिण नीचे है तो दक्षिण दक्षिण दिशा की ओर राकेश मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, ठीक है दोस्तों। 20 किलोमीटर चलने के पश्चात उसने क्या किया? 20 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, यानी कि पूर्व इधर है तो राकेश इधर चलेगा, 20 किलोमीटर चला। दोस्तों आगे पूछ रहा है, तो राकेश की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति क्या होगी और अंतिम स्थिति यह है। अंतिम स्थिति, तो अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को मिलाने पर यह दूरी और यह दूरी दोनों समान है, तो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी होगी? 20 km। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर।